दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको MCDMDH के बारे में बताने वाला। जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ, यदि आपसे कोई पूछ लेते हैं कि बताइए कि 5 मिलीमीटर बराबर से कितना सेंटीमीटर होता है, या तो आपसे पूछ ले कि 10 सेंटीमीटर बराबर से कितना डेसीमीटर होता है, या तो 1 मीटर बराबर से कितना मिलीमीटर होता है, या आपसे पूछ ले कि 10 हेक्टा बराबर से कितना डेसीमीटर होता है, या मीटर होता है, या सेंटीमीटर होता है। दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको उम्मीद में पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि इस वीडियो में आप 5 मिनट अगर देते हैं तो आज के बाद कभी भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारा जो भी फॉर्मूला आता है वो हमेशा हमेशा के लिए आप याद नहीं बनाने के लिए सीख जाएगा कि फॉर्मूला तैयार कैसे होता है। दोस्तों तो आइए आपका समय हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैंने यहां पर रूल को बनाया हूं, उस रूल को समझिए, क्योंकि जब भी कोई काम को हम करते हैं दोस्तों, जब तक उसका हम बेस नहीं समझते हैं, नियम समझते हैं, तो वो काम करने में मजा नहीं आता। इसलिए सबसे पहले आप हमारे जो हमने यहाँ पर नियम बनाया हो, रूल बनाया हो, इस पे फोकस करिए। मैंने आपको बोला 5 मिनट देने के लिए, 2 मिनट में कहेगा सर बस करिए, अब हम हमको घोर के पिला दिए हैं, मतलब 2 मिनट में आपको समझ लीजिए कि हमेशा हमेशा के इसको बनाने के लिए सीख जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा रूल है दोस्तों उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए रूल नंबर 1 जो हमने बनाया कर रहे हैं क्या कि जब ऊपर ये जो है, ये हमने जो डायग्राम यहाँ बना करके दिखा रहा हूँ, आपको शो कर रहा हूँ, इस डायग्राम की मैंने बात कर रहा हूँ कि जब ऊपर से नीचे की ओर आना होगा, ये तो आएंगे तो भाग करना है। कहने का मतलब हुआ कि जब हम ऊपर से नीचे की फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें क्या करना है, तो भाग करना है। क्या करना है दोस्तों, तो हमको भाग करना है, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो भाग के चिन्ह लगाना है, यानी भाग करना है। रूल नंबर 2 समझिए, करा कि जब नीचे से ऊपर की ओर, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो गुना का चिन्ह लगाना। कहने का मतलब हुआ कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर फॉर्मूला बनाएंगे तो हमको क्या करना है, गुना का चिन्ह लगाना है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब आप कोई भी काम करते हैं अगर उसमें आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट मतलब क्या कि गुना हो रहा है उसमें। आज आपने 10 रुपया कमाए, कल 20 रुपया कमाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर की ओर आपको बढ़ता है, यानी बैंक बैलेंस आपको क्या रहा, बढ़ रहा है। तो बढ़ने मतलब क्या होता है कि आपके जो कमाई है उसमें गुना हो रहा है, ठीक है। और जब आपकी कमाई कमता है तो इसका मतलब क्या होता है कि भाग का बचना लगता है। तो जब हम नीचे की ओर आएंगे तो इसका मतलब हमारा कमाई कम रहा है, हमारे बिजनेस में जो है वो कमी आ रहा है ना, तो क्या होता है कि भाग का चिन्ह लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हमारी कमाई बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि गुना का चिन्ह लगता है, ठीक है ना। तो इस ढंग से आप इसको समझ सकते हैं। तो रूल वही कहता है कि जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो भाग का चिन्ह लगाएंगे। कहने मतलब जब ऊपर से नीचे की ओर फॉर्मूला बनाएंगे तो भाग लगेगा, जब नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे तो गुना का चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। अब कहते हैं क्या, तीसरा पॉइंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जिसके ऊपर हम खड़ा है, जिसके ऊपर हम खड़ा है उसे छोड़कर के गिनना है। जिसके ऊपर हम खड़ा है उसको क्या करना है दोस्तों, छोड़कर के गिनना है। आइए फॉर्मूला बनाने के लिए मैं आपको अब सिखाता हूं। सबसे पहले नंबर हम आपको एक सिंपल लेकर के सिखाऊंगा कि जिससे आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि अगर आपको कह दे कोई कि यहां पर मैं लिखा हूं के, समझेगा, एम से मिलीमीटर, सी से सेंटीमीटर, और डी से डेसी होता है, एम से होता है मीटर, और डी से होता है फिर यहाँ पर डेगा, एस से होता है हेक्टा, और के से होता है किलो, ठीक है ना। तो ये मैंने इसका हिंदी लिख दिया और यहाँ पर शॉर्ट लिख दिया। याद आपको करना कैसे दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर याद करना एम सी डी। दूसरा तरीका से याद आपको करना है, दूसरा जो है MDH। आप लोगों ने मसाला को नाम जाने होंगे कि MDH एक मसाला, ठीक है ना। तो पहले याद करना है क्या कि MCD, दूसरा करना है याद क्या MDH मसाले से, और उसमें के लगा देना, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको याद करने का तरीका समझ गया होंगे कि MCD और MDH के, MCD MDH के, MDH मसाला होता है दोस्तों, समझ की बात को। चलिए अब मैं आपको यहाँ से फॉर्मूला बनाता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको यहाँ से फॉर्मूला में सिखाता हूँ, यानी इसको हम बोलते हैं सूत्र दोस्तों, ठीक है। चलिए कैसे हम बनाते हैं एक एक करके आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं दोस्तों। आइए मैं अब आपको फॉर्मूला यहाँ से बनाने के लिए सिखाता हूँ। ये सारा रूल को आपको दिमाग में रखना है, हालांकि कोई ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है, केवल आपको समझने के लिए मैंने ये रूल को लिखा हूँ, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हैं कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग करेंगे, और नीचे ऊपर जाएंगे तो गुना करेंगे, और जिस पर खड़े हैं उसको छोड़कर गिनना, बस 3 ही कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बनाने के लिए फॉर्मूला सिखाता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ से अगर आपको कोई कह देता है कि 1 मीटर में, ठीक है ना, 1 मीटर, पहले मैं लिख देता हूँ एक बार, 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, कितना मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। आप जो भी कमेंट करिएगा हम सब उसका फॉर्मूला बनाकर दिखाएंगे।
एक मीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो दोस्तों हम लोग खड़े यहाँ पर है, ठीक है ना, और जाना हमको यहाँ पर है, तो क्या करेंगे हम, ये एक लिख देंगे, ठीक है ना, और गुना कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ हम खड़े हैं, तो हमने क्या बोला कि जिस पर खड़े रहेंगे उसको क्या करना है, छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पर खड़े से छोड़ देना ऊपर के लिए, एक दो तीन, यानी कि एक यहाँ लगा करके एक दो तीन कर देना। अब इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक दो और ये तीन हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक मीटर बराबर से 1000 मिलीमीटर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ देता है कि बताइए कि एक किलोमीटर में, एक किलोमीटर में, ठीक है ना, ये फर्स्ट मैंने बनाया और यहाँ सेकंड बना रहा हूँ कि एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे एक और यहाँ एक लिख देंगे, क्योंकि एक मीटर की बात क्या है, तो एक किलोमीटर और एक लिख देना, ठीक है ना। अब इसको छोड़ कर के लिए एक दो तीन, यहाँ पर तीन शून्य को लगाइए, एक दो तीन। अब अगर इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा एक दो और तीन, यानी कहने का मतलब हुआ कि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है दोस्तों, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं कि एक किलोमीटर बराबर से कितना होता है मीटर में, तो 1000 मीटर होता है दोस्तों। चलिए अगर इसी चीज को कह लेते हैं, कोई अगर मान लेते पूछेगा कि मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 गुने हो जाएगा, ठीक है, 5 गुने 1। अब इस यहाँ खड़े हैं तो इसको छोड़ करके एक दो तीन, यानी इसको एक दो तीन गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक दो तीन, यानी कि 5000 मीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि सारा फॉर्मूला बनाने के लिए आप सीख रहे होंगे, यहाँ से इसको बनाता हूँ। अब आइए हम आगे की ओर लेके चलता हूँ आपको, आप इसमें जो कहिएगा उसको मैंने निकाल के दिखाऊंगा, जो आप कहिएगा हम उसका निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। जैसे यदि आपको कहना है क्या कि सर यहाँ पर जो डेका लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 डेका, ठीक है ना, 5 डेका में, 5 डेका में अब क्या आपको चाहिए, ये डेका है तो डेका में आपको मीटर में बात करना है या डेसी में बात करना है या सेंटी में। अगर आपको करना है कि 5 डेका में कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये 5 डेका हो गए दोस्तों और कितना सेंटीमीटर, मतलब हुआ कि 5 डेका बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 5 गुने 1। अब हमने डेका पर खड़े हैं तो हमने क्या बोला कि जिस पर खड़े रहेंगे उसको छोड़ गिना, यहाँ गिनेंगे 1 2 3, यानी हम इसको गुना कर देंगे 1 2 3। अब इसको सोल्व करेंगे कितना जगह, 5 0 0 0 और सेंटीमीटर, यानी कि 5 डेका में 5000 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, ठीक है ना, 5 डेका में 5000 सेंटीमीटर होता है। उसी एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, कितने सेंटीमीटर होता है, तो हमने क्या बात की, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो एक आ जाएगा भाग में, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर देंगे एक, और यहाँ पर कितना है एक, तो एक सुनार बिठा देंगे। अगर दोस्तों इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 क्या आ गया, 0.1 सेंटीमीटर आ गया, मतलब एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए और अभी आपको हम और करवाते हैं, घबराइए नहीं और भागिए नहीं, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जब मैंने आपको कहा था अगर मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंटीमीटर, ठीक है ना, कहेगा सर कि अगर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है। चलिए हम आपकी बात कर लेते हैं किलोमीटर का, 5 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो जो हम सेंटीमीटर पर खड़ी है और हमको किलोमीटर में लाना है, तो पहले नंबर तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, भाग में आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, यानी कि अपन लगा 1 2 3 4 5, यदि इसको हम कट कर लेंगे तो दोस्तों क्या चलाएगा, ध्यान दीजिएगा, 0.00005 ये आ जाएगा मेरा किलोमीटर। कहने का मतलब हुआ कि 5 सेंटीमीटर में 0.0005 किलोमीटर होता है। एक मीटर में कितना किलोमीटर होता है, इसको कह लेते हैं कितना किलोमीटर होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इधर नीचे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो भाग में आ गया, हम मीटर पर खड़ी है दोस्तों और हमको आना है किलोमीटर पर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, यानी 1 2 3, इसको दोस्तों अगर हम कट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या कि 0.001 आ जाएगा, और ये जो 1 आया है वो क्या है, किलोमीटर में। कहने का मतलब कि एक मीटर में 0.001 किलोमीटर होता है दोस्तों। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे कुछ नया सीख मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपसे